मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर हो गए। इसको लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिले के बहेला थाना इलाके में पुलिस से मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि हॉक फोर्स ने मुठभेड़ में नक्सलियों के डिविजनल कमेटी के मेंबर और 15 लाख रुपये के इनामी नक्सली नागेश और 8-8 लाख रुपये के इनामी एरिया कमांडर नक्सली मनोज और रामे को ढेर किया है। ये क्षेत्र महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। बहेला थाना है, चौकी लोहागड़ी, जिला बालाघाट। यहां पर पुलिस का और नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। एक 15 लाख का डिविजनल कमेटी का जो इनका मेंबर था उसको एनकाउंटर में मारा है। नागेश उसका नाम था। 2 एरिया कमांडर जिन पे 8-8 लाख का इनाम था, एक का मनोज नाम था, एक लेडी का नाम रामे था। ये 3 लोग हॉक्स फोर्स ने एनकाउंटर में मारे हैं। ये इलाका महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ इलाका है।